this mystery man you guys sent in when you can't officially send anyone else? Oh no. हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, दृश्यम 2 के बाद एक बार फिर सिनेमाघरों में जबरदस्त भीड़ नजर आने वाली है और ये सब जेम्स कैमरून के साइंस फिक्शन महागाथा अवतार द वे ऑफ वाटर की जगह से होगा। अवतार 2 किस स्केल की फिल्म है और वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर क्या करिश्मा करने जा रही है, अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। ये फिल्म 16 दिसंबर को रिलीज होगी। सेंसर बोर्ड ने US सर्टिफिकेट देकर पास कर दिया। अवतार का दूसरा पार्ट 3 घंटे 12 मिनट और 10 सेकंड लंबा है। इतना लंबा होने के बावजूद फिल्म का जादू लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है और इसीलिए फिल्म की रिलीज से एक हफ्ता पहले एडवांस बुक में रिकॉर्ड टिकट बुक हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ता पहले ही 8.5 करोड़ कीमत के 2.5 लाख टिकट एडवांस में ही बिक चुके हैं। फिल्म की हाइप जिस तरह से है, रिलीज तक एडवांस बुकिंग अवतार 2 ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना सकती है। ट्रेड सर्कल में तय माना जा रहा है कि फिल्म बिजनेस के लिहाज से दुनिया भर में एक नया रिकॉर्ड सेट करेगी, लेकिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी कमाई के सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। 13 साल पहले जब फिल्म का पहला पार्ट आया था, इसने दुनिया भर में $2 बिलियन से ज्यादा की कमाई कर सभी को हैरान कर दिया। तब भारत में भी फिल्म ने रिकॉर्ड की कमाई की थी। सिनेमाघर में अवतार 2 का खौफ कुछ ऐसा है कि 9 दिसंबर के दिन शुक्रवार को विंडो लगभग खाली होने के बावजूद नई फिल्मों की रिलीज से बचने की कोशिश दिखती है, जबकि इससे पहले हर शुक्रवार लगातार बॉलीवुड की फिल्में आई, जैसे कि आयुष्मान खुराना की एन एक्शन हीरो, वरुण धवन की भेड़िया, अजय देवगन अक्षय खन्ना की दृश्यम 2, अमिताभ बच्चन अनुपम खेर और बोमन ईरानी की ऊंचाई, ये सभी फिल्में शामिल है। वहीं देखा जाए तो 9 दिसंबर को लगभग आधी दर्जन फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन इसमें कोई भी बड़ी फिल्म नहीं है जिसका बज नजर आ रहा हो। शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म छोटे स्केल की है। इनमें मारिच, सलाम वेंकी, वध, लाइफ इज गुड शामिल है। ब्लर को डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, मतलब कि तापसी पन्नू ने सेफ गेम खेला है और इस बार अपनी फिल्म को सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया। वेल, जाहिर सी बात है कि अवतार से एक हफ्ते पहले जब कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही तो 16 दिसंबर को सिनेमाघर में बॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं है। हाँ, OTT पर विकी कौशल, भूमि पेडनेकर, कियारा अडवाणी की फिल्म गोविंदा नाम मेरा को जरूर शामिल किया गया। साफ है कि हॉलीवुड कंटेंट के सामने बॉलीवुड फिल्में नजर नहीं आ रही और बचती दिख रही हैं। देखना यह है कि 13 साल बाद अवतार का जब दूसरा पार्ट बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगा तो कितने कारनामे दिखाता है। जहां तक बात फिल्म की तो है, तो ये फिल्म कई लैंग्वेज में रिलीज हो गई। हिंदी में रिलीज हो रही है, तमिल में, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, कई लैंग्वेज में रिलीज हो गई है, जिसका बोलबाला अभी से दिख रहा है। वेल, अगर अवतार फ्रेंचाइजी की बात करें तो अवतार फ्रेंचाइजी की कहानी फ्यूचर में एक काल्पनिक ब्रह्मांड पर सेंटर्ड है। इसमें अच्छे और बुरे की लड़ाई को दिखाया गया। फिल्म ने अपने विजुअल इफेक्ट्स और एक जोरदार कहानी की वजह से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। दूसरे पार्ट के विजुअल से देखा जाए तो और भी शानदार है। असल में अवतार की कहानी एक हैरान करने वाले ग्रह पंडोरा की है। 2 ग्रहों पर जीवन और उनके बीच के मतभेद, लालच, ये सब कुछ हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। धरती के लोगों का पंडोरा से संपर्क हो चुका है। वे वहां तमाम जानकारियां हासिल करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। वही पंडोरा की बात करें तो पंडोरा एक अलग ही दुनिया है। जैसे ब्रिटिशर्स हमें लूट कर गए, इंडिया को लूट कर गए, वहां पर पंडोरा को वो लूटना चाहते हैं। वहाँ के लोग धरती से अलग है। वहाँ की आबो हवा और संस्कृति भी धरती से काफी अलग है। उनका रंग नीला है और उनकी बनावट कुछ इंसानों की तरह जरूर है, लेकिन उनकी सोच, उनकी दुनिया काफी अलग है। दिलचस्प इस बात में बनी है कि क्या फिर से स्ट्रगल दिखाया जाएगा या फिर कुछ नया हमें देखने को मिलेगा और जीत हार देखने को मिलेगी पंडोरा वर्सेस धरती वालों के बीच। आपको क्या कहना है इस फिल्म के बारे में? आप कितने एक्साइटेड है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें और देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज।